हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को Hyundai Venue का बिल्कुल बेस वेरिएंट दिखाने वाला हूं, ई वेरिएंट। आज से पहले मैंने अपने चैनल पर आप लोगों को ई वेरिएंट Hyundai नहीं दिखाई थी दोस्तों, आज मैं पहली बार आप लोगों को दिखाने वाला हूं Hyundai Venue का बिल्कुल बेस वेरिएंट। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आप लोगों को ये वाली गाड़ी जो है वैल्यू फॉर मनी मिलती है, ऐसे क्या इसके अंदर आप लोगों को फीचर मिलते हैं जो आप लोगों को इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए, और ये गाड़ी क्या वर्थ इट है जिस प्राइस रेंज में आती है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से, और वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वाली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, बाकी चैनल पर आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस गाड़ी की जो प्राइसिंग है एक बार वो बता देता हूँ। 7,94,100 रुपए इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। जी हाँ, 7,94,100 रुपीज इस गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड ये गाड़ी आप लोगों को 9,00,000 रुपए के आसपास देखने को मिलती है दिल्ली में, पेट्रोल वाला वेरिएंट। दोस्तों, ये जो गाड़ी है अवेलेबल है वीडी Hyundai में, ये गाड़ी आप लोगों को बहुत ही ज्यादा स्पेशल ऑफर्स के साथ देखने को मिल जाएगी। वीडी Hyundai उद्योग नगर दिल्ली में आप लोगों को आना पड़ेगा अगर आप लोगों वाली गाड़ी लेनी है। तो इस गाड़ी की बात करूं तो इस तरीके में आप लोगों यहाँ पे जो चाबी है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, दोनों चाबियां इस तरीके की आप लोगों को मिल जाती हैं इस गाड़ी की। कलर की बात करूं तो करीबन 2 से 3 ऑप्शन इसके अंदर आप लोगों को कलर के भी देखने को मिल जाते हैं बिल्कुल बेस वेरियंट में। फिलहाल मेरे साथ जो खड़ा हुआ है इसका व्हाइट कलर, यहाँ पे आप लोग देखेंगे हल्की सी धूप आ रही है तो आप लोगों को इधर जो है अलग कलर लग रहा होगा, इधर अलग लग रहा होगा, लेकिन ये व्हाइट कलर है। अब बात करते हैं गाड़ी में आप लोगों को मिलेगा क्या क्या। सबसे पहले फ्रंट लुक के बाद एक बार मैं आप लोगों से कर लेता हूँ। फ्रंट में सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को ना एक डार्क ब्लैक क्रोम कलर की आप लोगों को यहाँ पे जो ग्रिल है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी पूरी। ये थोड़ी सी गंदी हो रही है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को ना Hyundai का लोगो मिल जाएगा, सामने की तरफ नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे प्लेसमेंट आप लोगों को मिल जाती है। अब ये जो पार्ट है ना इसका, ये इसका इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि बल्ब में रहने वाला है, और एक काफी बड़ी, आप लोग मेरे हाथ से अंदाजा लगा सकते हैं, काफी बड़ी इसमें आप लोगों को हैलोजन बल्ब में जो हेडलाइट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। पार्किंग बल्ब इसके अंदर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, और ये हाई बीम लो बीम इसी बल्ब के अंदर ही आप लोगों को मिलता है। बाकी इसके अलावा कोई यहाँ पे और जो है आप लोगों को फॉग लैंप वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पूरा ब्लैक कलर की आप लोगों को यहाँ पे ग्रिल है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। नीचे आप लोगों को इसमें सिल्वर जो इंसर्ट है वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इसके बम्पर में। ये आप लोग इसकी फ्रंट के लुक देख सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को फील होगी जब आप लोग इस गाड़ी को सामने से देखोगे ना, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आप एक बिल्कुल बेस वेरिएंट गाड़ी देख रहे हैं Venue का मॉडल, ठीक है। इधर से आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक फिनिशिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, बाकी आप लोग इसकी फ्रंट की लुक चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं साइड पे। साइड में सबसे पहले मैं आप लोगों से टायर के बारे में बात करता हूँ। 195/65R15 इंच का यहाँ पे आप लोगों को जो स्टील व्हील्स है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। फ्रंट के जो दो टायर है इनमें आप लोगों को डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, और जो रियर के जो टायर है इनमें आप लोगों को ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाएगी। इसमें आप लोगों को व्हील कवर भी लगा हुआ मिलता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। बाकी अपोलो के टायर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है, स्टील व्हील मिलेंगे, ब्लैक कलर का आप लोगों को व्हील कवर भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी जो 360 ब्लैक क्लैडिंग आप लोग देख पा रहे हैं पूरी गाड़ी पे हो रखी है, ये आप लोगों को इस गाड़ी में पूरी 360 आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि कहीं ना बढ़िया चीज है। क्यों? कल को अगर आप लोगों की गाड़ी कहीं से टकराती है, स्क्रैच लगते हैं ना, तो ये अपने ऊपर स्क्रैचेस ले जाता है, ये पेंट पे नहीं आने देता है, और ये जो है आप लोग इजीली रिप्लेस भी करवा सकते हैं, ये चेंज हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसमें बल्ब वाला फेंडर में ही आप लोगों को जो इंडिकेटर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब ये जो है कहीं ना कहीं आप लोगों को याद दिलाएगा कि आप लोग एक बेस वेरियंट गाड़ी देख रहे हैं। बाकी एक चीज और है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ब्लैक कलर के आप लोगों को जो उसमें साइड मिरर है ये आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इनको आप लोगों को हाथ से ऐसे मैनुअल जो है फोल्ड करना पड़ेगा, ऐसे आप लोगों को इनको फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ता है, और एडजस्ट के लिए ये आप लोगों को अंदर से वहां से लिया जाएगा, मतलब उसको अंदर से एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे। बाकी दो वाइपर दो वॉशर आप लोगों को गाड़ी के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं, और ये जो है इसकी बोनट की लुक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बोनट इस गाड़ी का आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी कटिंग फिनिशिंग वगैरह सब कुछ प्रॉपर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और थोड़ा सा हम लोग पीछे बढ़ते हैं, बाकी जो इसका एंटीना है वो कुछ इस तरीके का आप लोगों को एंटीना जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब इधर की तरफ से आप लोग देखेंगे तो इसमें आप लोगों को एक इधर की तरफ एक फ्यूल लिड देखने को मिलेगी। इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ठीक है। बाकी पीछे आप लोग देखेंगे तो एक प्लेन ग्लास आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आप लोगों को कोई भी वाइपर डिफोगर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को एक हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिलेगी जो कि बल्ब में रहने वाली है। बाकी यहाँ पे आप लोग पीछे देखेंगे तो सब आप लोगों को बल्ब में देखने को मिलेगी, टेल लाइट वगैरह, और ये सब आप लोगों को यहाँ पे सब बल्ब का यूज करके, कहने का मतलब है, और ये कनेक्टेड वाली तो आप लोगों को नहीं मिलेगी। अगर आप लोग SX लेंगे तो आप लोगों को कनेक्टेड वाली यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। रियर बम्पर की लुक आप लोग देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का बम्पर आप लोगों को यहाँ पे रियर में मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को पीछे रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप लोगों को एक और दो जो है आप लोगों को पीछे रिवर्स पार्किंग सेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो Hyundai का लोगो मिलेगा, और Venue 3D में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी बात पता है क्या है,
यहाँ पे आप लोगों को पीसेस देखने के बाद ना कहीं में बैजिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी कि ई बेस वेरिएंट है, आप लोगों को कोई लगे कि मैं बेस वेरिएंट गाड़ी चला रहा हूँ तो आप लोगों को ना ऐसा कुछ भी देखने को पीछे नहीं मिलेगी बैजिंग वगैरह, सिर्फ और सिर्फ वेन्यू आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। बाकी रियर से जो लुक है वो आप लोग कुछ इस तरीके से इसकी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की यहाँ पे लुक रहने वाली है। बाकी दोस्तों रियर प्रोफाइल आप लोगों ने चेकआउट कर लिया, इस साइड से भी जो आप लोगों की गाड़ी की लुक है वो देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की आप लोगों को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ग्राउंड क्लीयरेंस की। सो 195 एमएम की यहाँ पे आप लोगों को जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के साथ। तो चलिए अब आप लोग अंदर बढ़ते हैं, एक्सटीरियर मैंने आप लोगों को सारा चेकआउट करा दिया है, अब एक बार अंदर क्या क्या लुक मिलती है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखेंगे डुअल टोन इंटीरियर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें ब्लैक और व्हाइट कलर का जो इंटीरियर है वो रहने वाला है। आगे की जो दो पावर विंडो आप लोगों को मिल जाएंगी, बाकी डोर हैंडल आप लोगों को जिस तरीके का यहाँ पे देखने को मिलेगा, बाकी जो साइड मिरर है उसको एडजस्ट करने के लिए ये आप लोगों को यहाँ से दिया जाता है, पकड़ के करना पड़ेगा। बाकी इस वाले वेरियंट के अंदर कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं आता, तो यहाँ पे स्पीकर का प्रोविजन दे दिया गया, लेकिन स्पीकर वगैरह नहीं मिलेंगे आप लोगों को, और एक बोतल होल्डर आप लोगों को मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज पता है क्या, सीट जो है ना वो आप लोगों को यहाँ पे लेदर सीट कवर्स देखने को मिल जाएंगे सारी गाड़ी में, और जो एड्रेस रहने वाले हैं ये पांचों के पांचों एडजस्टेबल देखने को आप लोगों को मिलेंगे। पीछे वाला भी आप लोग देख सकते हैं, पीछे तीनों और आगे के दोनों आप लोगों को एडजस्टेबल यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बाकी सीट जो है वो हाइट एडजस्टमेंट के साथ नहीं आती है यहाँ पे, आप लोगों को इसको ऐसे मैनुअल पीछे करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों दरवाजा बंद कर लिया मैंने, तो कुछ इस तरीके का आप लोगों को इसका बेसिक सा जो इंटीरियर है वो देखने को मिल जाएगा। इधर की तरफ आप लोगों को इसमें जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है वो नहीं मिलेंगे, इधर आप लोगों को मिलेंगे इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। अब इसका इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को ना पूरा डिजिटल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग पूरा डिजिटल मीटर इसके अंदर आप लोगों को मिलेगा। बेस वेरियंट के अंदर भी बिल्कुल डिजिटल मीटर आप लोगों को यहाँ पे दिया गया, जो कि अगेन बहुत बढ़िया बात है। एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ गाड़ी को, एक बार स्टार्ट करके लुक आप लोगों को दिखाई दूँ। स्टार्ट कर लिया मैंने गाड़ी को दोस्तों, गाड़ी स्टार्ट इस टाइम, और बिल्कुल भी जो गाड़ी में वाइब्रेशन है स्टार्ट होने की जो फीलिंग है वो सब नहीं आ रही है, ठीक है। इधर आप लोगों को ऑडोमीटर मिलेगा, इधर आप लोगों को इसमें आरपीएम शो कर रहा है, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है डिजिटली, फ्यूल गेज आप लोगों को मिल जाएगा, इधर आप लोगों को ड्राइव इन्फो दिखा रहा है कितने किलोमीटर गाड़ी चली है और कितने किलोमीटर और चल जाएगी, कितने लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी है, सारे फीचर आप लोगों को शो कर रहा है। बाकी स्टेयरिंग की बात करो तो बहुत ज्यादा लाइट वेट स्टेयरिंग मेरे को लगा, बहुत लाइट वेट स्टेयरिंग आप लोगों को हुंडई का मिलता है, ठीक है। बाकी इधर आप लोगों को चाबी लगाने की जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिलती है। इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, इधर हेडलाइट लेवलियर आप लोगों को मिल जाएगा, एसी वेंट आप लोगों को ब्लैक कलर का मिलेगा लेकिन सिल्वर इंसर्ट उसके ऊपर से दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को सारा हार्ड प्लास्टिक ये सब देखने को मिलेगा। रियर व्यू मिरर जो है वो आप लोगों को मैनुअल डे नाइट के साथ आप लोगों को ऐसे एडजस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सेंटर में आप लोग देखेंगे तो म्यूजिक सिस्टम वगैरह नहीं मिलेगा, प्रोविजन आप लोगों को दे दिया गया है यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगाने का, लेकिन कुछ भी नहीं मिलेगा। मैनुअल एसी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आप लोगों को एक 12 वाट का सॉकेट मिलेगा और एक टाइप सी आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। यहाँ फोन रखने की आप लोगों को जो प्लेसमेंट है वो देखने को मिल जाती है। पांच गियर इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे, पीछे रिवर्स आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ छोटा मोटा कॉइन वगैरह आप लोग रख सकते हैं, एक हैंड ब्रेक, दो कप होल्डर और यहाँ पे आप लोगों को पीछे बोतल होल्डर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी इस गाड़ी में हैंडरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे भी आप लोगों को स्पेस दिया जाता है, और इधर आप लोगों को इधर आप लोग देखेंगे तो एक ग्लव बॉक्स भी देखने को मिल जाएगा। सो ये है इस गाड़ी की ओवरऑल फ्रंट से लुक। बाकी यहाँ पे आप लोगों को एक सनशेड देखने को मिलेगा ऊपर, और इधर भी आप लोगों को सनशेड ही देखने को मिलेगा। बाकी इस गाड़ी के अंदर एबीएस भी आप लोगों को देखने को दोस्तों मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की जो फ्रंट की लुक है वो सारी चेकआउट करा दी है। अब हम चलते हैं पीछे रियर में आप लोगों को क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। ये है दोस्तों इसकी रियर सीट, पीछे भी इसमें आप लोगों को जो लेदर सीट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, और 60-40 स्प्लिट सीट आप लोगों को यहाँ पे पीछे भी देखने को मिल जाती है। एक बार अंदर बैठ के भी आप लोगों को लुक जो है वो चेकआउट करा देता हूँ। बाकी जो रियर डोर है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। इधर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसमें एक डोर हैंडल मिलेगा, इधर आप लोगों को पकड़ने के लिए ऐसे ग्रैब हैंडल दिया जाता है जो कि डुअल टोन कलर में रहने वाला है, और पीछे वाली जो विंडो है ना इनको रोल डाउन वाला आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेगा। ये देख लो, ये है मतलब एक और बेस की पहचान। बाकी बोतल होल्डर मिल जाएगा आप लोगों को, और एक आप लोगों को स्पीकर का प्रोविजन दे देगा, लेकिन स्पीकर नहीं मिलेगा। बंद कर लेते हैं इसको। अब ये जो आगे वाली सीट है ये मैंने पूरी पीछे कर रखी है, अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रखी है, तो मेरा जो नी स्पेस है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है 5'9" के हिसाब से। बाकी हेडरूम की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंट सा यहाँ पे मेरे को हेडरूम भी देखने को मिल रहा है, मतलब गाड़ी के अंदर मैं हालांकि कंफर्टेबली बैठ पा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे को जो नी रूम है ना उसकी थोड़ी सी शिकायत लग रही है इस गाड़ी के अंदर। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे भाई पांच जने इसके अंदर गाड़ी के अंदर बैठ सकते हैं कि नहीं, तो यार मेरे हिसाब से पांच जने इस गाड़ी के अंदर आराम से आ जाएंगे। अगर पीछे तीन अडल्ट बिठाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे बैठ जाएंगे, लेकिन थोड़ा कंजेस्टेड होकर बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर पीछे दो अडल्ट और एक बच्चा और आगे दो अडल्ट बैठ जाए तो यहाँ पे जो है पांच जने इस गाड़ी के अंदर ऐसे बैठ सकते हैं, ये आप लोगों को मिलेगा। बाकी पीछे आप लोगों को यहाँ पे जो एसी वेंट वगैरह है कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। बाकी ये इस गाड़ी की रियर से लुक, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर रखी है मैंने, फुल एसी चल रहा है और गाड़ी बहुत ही जल्दी चिल्ड भी कर दे रही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को जो कैबिन लाइट है वो फ्रंट में नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ सेंटर में आप लोगों को मिलेगी, जो कि बल्ब वाली मिल जाएगी। एक बार बूट भी आप लोगों को इसकी जो ओपन करके मैं दिखा देता हूँ।
सो कुछ इस तरीके का आप लोगों को जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा स्पेस यहाँ पे रहने वाला है। 350 लीटर का यहाँ पे आप लोगों को जो बूट स्पेस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा 350 लीटर का। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी जो हुक वगैरह है वो देखने को नहीं मिलेगा, ना ही लाइट मिलेगी, ना ही आप लोगों को यहाँ पे पावर शेल्टर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक बूट स्पेस दे दिया जाएगा। बाकी इसकी स्टेपनी व्हील की बात करूँ तो वो आप लोगों को इसमें सेम 16 इंच की प्रोफाइल के साथ ही आप लोगों को देखने को ये मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अपोलो का टायर आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये चीज भी आप लोगों ने यहाँ पे देख ली है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई इस गाड़ी के बारे में ओवरऑल से डिटेल। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो यहाँ पे आप लोगों को 1200 सीसी का 1.2 लीटर कापा इंजन आप लोगों को मिलेगा। 4 सिलेंडर इंजन ये रहने वाला है, जो निकालेगा 82 BHP की पावर विद 114 Nm ऑफ टॉर्क, 140 Nm ऑफ टॉर्क आप लोगों को मिल जाएगा। 5-speed मैनुअल गियरबॉक्स गाड़ी रहने वाली है। माइलेज की बात करें इस गाड़ी की, तो आप लोगों को ये गाड़ी जो हाईवे पर माइलेज देगी वो 15 से 20-22 तक की माइलेज आप लोगों को दे देती है बड़े आसानी से। और सिटी की बात करूं तो 12 से 15 की आप लोगों को सिटी में भी माइलेज ये गाड़ी पेट्रोल पे दे देगी। बाकी आप लोग डीजल वेरिएंट लेंगे तो वो आप लोगों को और ज्यादा जो माइलेज है वो देगा। बाकी इस गाड़ी की जो डायमेंशन है आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी आ रही है, आप लोग यहाँ पे इसके डायमेंशन भी देख सकते हैं। बाकी इस गाड़ी की प्राइसिंग मैंने आप लोगों को बता दी है, माइलेज बता दी है, सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लेन मैंने कर दी है। अगर फिर भी कुछ रह गया तो आप लोग कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।